वेलकम बैक टू माई चैनल। और आपने ये मेकअप लुक मेरा देख लिया होगा मेरे चैनल पर, तो ये वीडियो उसके बाद की है कि ये मेकअप लुक क्रिएट करने के बाद का है ये शूट मैंने जो करा है। और आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने बहुत सारा काम कर चुकी हूँ और तब भी कितना ग्लोई ग्लोई मेकअप है। सो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊंगी बिहाइंड द सीन्स क्या होता है जब मैं मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, और मैं आपको अपना स्किन केयर दिखाऊंगी जब मैं अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, और अपना थोड़ा सा मैं आपको अपनी नायरा मायरा के साथ मस्ती करते हुए दिखाऊंगी। मैंने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करे हैं, कैसे दिखाऊँ रुको, मैंने अपना पजामा और टी शर्ट पहन लिया क्योंकि ये कंफर्टेबल लगता है मुझे सबसे ज़्यादा। अब मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी और उसके बाद मैं ये सारा जो आपको दिख रहा है ना मैस जो हुआ है वो सारा समेटना है। बज रहे हैं शाम के 7, शाम के या रात के जो भी आप बोलना चाहें, और मैं सारे के सारे अपना मेकअप का जो सामान है वो रख रही हूँ पहले, क्योंकि मायरा नायरा आके सारा ख़राब कर देंगी, तो मैं सारा का सारा समेट रही हूँ। मेकअप का सामान देख लिया है सारा, लिपस्टिक और हाँ जी पापा जी जी मम्मी हाँ दवाई दवाई नहीं है ये ये इसको सिरम को बोल रही है दवाई। अच्छा आप दिखा दो कैसे लग रहे हो, मेरा बेबी कैसा लग रहा है दिखाओ, शो के उठ के आया है ना अभी। बस अब सारा सामान मेरा टूटने वाला है, इसके हाथ में आ गया तो। हाँ जी माँ, ओ ये देखो नायरा भी आ गई और मायरा भी आ गई है। हाय करो जल्दी, हाय करो, हाय। अब तो मुझे जल्दी जल्दी समेटना पड़ेगा अपना सारा सामान भाई। थोड़ा ताड़ी स्टार्टिंग को ये मेकअप गर्ल दोनों का दोनों मेकअप चालू हो गया तुम दोनों का भी, अब तुम्हारी भी वीडियो बनाती हूँ मैं है ना, जल्दी समेटना पड़ेगा मुझे, पकड़ लो जल्दी। ये कौन छुपा, ओह माय गॉड ये कौन छुप गया, बाहर आओ। शिवन दीदी लिपस्टिक, ओह नो, ओह गॉड, नो बंद, ओह गॉड, नो है क्या वो लिपस्टिक ले ली उसने, मेरी लिपस्टिक ले ली, दिखाना जरा लिपस्टिक मेरी, ओह माय गॉड आपने मेरा लिपस्टिक भी ले लिया और ब्यूटी ब्लेंडर भी ले लिया, मेकअप आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप अच्छा मेकअप बहुत जरूरी है ना आपके लिए, आप तो पहले से इतने ब्यूटीफुल हो, मम्मा ने लिपस्टिक लगाई है। मेकअप बहुत जरूरी है ना, मम्मी ये देखो लिपस्टिक लग गई। आओ आपको भी लगानी है लिपस्टिक, आपको भी लगानी है, नहीं लिपस्टिक लगा लो। हाय बेटी अच्छी है, लिपस्टिक अच्छी है, हेलो। सो आप 360 में देख सकते हैं मेरे रूम का हाल। अभी मेकअप भी रिमूव करना है और इन दोनों के साथ वो भी सब कुछ
कैसे करूंगी मैं। सामान जल्दी जल्दी रख दिया है क्योंकि अब मेरे पास टाइम तो है नहीं अच्छे तरीके से सामान रखने का, क्योंकि ये तो मेरी लड़कियां जो है ना सब खराब कर देंगी। ओहो माय गॉड, ये मैंने दो बास्केट खरीदी थी इसीलिए, क्योंकि जब मुझे टाइम नहीं मिलता ना सामान रखने का अच्छे तरीके से, तो मैं ऐसे रखती हूँ, ये कुछ भी कर देती हूँ। मतलब ब्लाउ लिपस्टिक दो। ओ माय गॉड, जल्दी दो, इधर दो बेटे, इधर दो। एक ने एक सामान ले रखा है, एक ने एक ले रखा है। इनको सब पता है कि मेकअप कैसे किया जाता है। ये 2 इयर्स की है और इन्हें मेकअप करना सब पता है। ये देखो ब्यूटी ब्लेंडर से कैसे ना फाउंडेशन लगाया जाता है, इनसे सीखो कोई। मतलब ना इनको पता है कैसे फाउंडेशन लगाना है, मतलब ऐसे डैब डैब करके। इतना भी इनकी अकल देखो जरा, कितनी अच्छी अकल है इनकी। टच वुड। मेरी बेटियां तो जल्दी व्लॉग्स बनाने वाली हैं भाई, अब स्टार्ट करने वाली हैं ये भी अब, कि हमें कैसे मेकअप करना है। बेबी नहीं छेड़ो अब तुम दोनों ना। ओ माय गॉड, लिपस्टिक खुलती मैं बस 2 मिनट के लिए गई थी रूम से बाहर ब्रेड लेने के लिए, खाने के लिए। हाय रब्बा, इनने क्या कर दिया मेरे लिपस्टिक का। अरे भाई खत्म हो जाएगी सारी, मैं क्या लगाऊंगी। मम्मी हाँ, ये हैंडू में थोड़ा लगाते हैं लिपस्टिक। मम्मी मम्मी वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। अच्छा ओके। ओ भाई की जान, ओ भाई की जान, ओ तड़का माई आ गई। इधर दो। लाओ लिपस्टिक दो मम्मा की, तभी मैं सारा समेटती हूँ इतनी जल्दी क्योंकि मुझे पता है ये मेरा सब खराब कर देंगी। सब मैं पी रही हूँ चाय और वो बैठी मेरी नायरा मायरा। मैंने मेकअप रिमूव नहीं करा है, बाकी मैंने सारा समेट लिया है। क्या हो गया, चल चुप हो जा। कुछ और ले लो। करने के लिए यूज कर रही हूँ फोमिंग फेस वॉश और ये है गुड वाइब्स का पपाया और ये स्किन क्लियरिंग फोमिंग फेस वॉश। सो जब हम इसको यूज करेंगे तो इसको ऐसे एक शेक कर लेंगे, जिससे कि इसके अंदर फोम क्रिएट करने के लिए शेक करेंगे और उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं लूंगी गुड वाइब्स, वो सॉरी गुड वाइब्स के बाद मैं लूंगी ये वाइप, हिमालय का बेबी वाइप है। देख सकते हैं कितना सारा मेकअप। फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। घूमे
देख सकते हैं। आजकल ना एक नया पिंपल आ गया ये, और अब मैं इसके बाद यूज करूंगी ये भी गुड वाइब्स का कॉफी ब्राइटनिंग फेस मास्क है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे यूज करूंगी। सो ये ऐसा दिखता है। भी फेस मास्क अप्लाई करेंगे तो हम उसे अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी स्किन अपलिफ्ट होए और हमें जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी एज की प्रॉब्लम, मतलब जो एज रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है वो ना हो। और फेस मास्क लगाने से हम एक तो अपने स्किन केयर भी हो जाएगी, क्योंकि हमने जैसे मेकअप किया है तो मेकअप के बाद स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मेकअप से पहले भी हम स्किन को प्रिपेयर कर लेंगे मेकअप के लिए। हम इसको अब 15-20 मिनट्स के लिए हम इसे अप्लाई करके रखेंगे, और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब उसको हम वॉश कर लेंगे। सो, मैंने इसे टैप वाटर से वॉश कर लिया है अपने फेस को, और उसके बाद मैं टॉवल से अपने फेस को पोछ लूँगी और डैब डैब करके पोछेंगे। रगड़ रगड़ के नहीं पोछेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ गया है फेस पे। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपना होममेड टोनर, जो कि होममेड है। सो, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है कि मैंने ये टोनर कैसे बनाया है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं होममेड टोनर। और उसके बाद हम टोनर को अपने फेस पे सोक करने के लिए हम इसे डैब डैब करके सोक करवाएंगे अपने फेस पे। मैं यूज़ कर रही हूँ वीट जर्म क्रीम, जो कि गुड वाइब्स की है, और ये नाइट क्रीम है। और अब क्योंकि नाइट हो रखा है तो मैं नाइट क्रीम लगा रही हूँ अपने फेस पे। और एक टिप और देना चाहूँगी मैं ये, कि अगर हम जब भी अपने फेस पे क्रीम अप्लाई करते हैं या फेस वॉश करते हैं या कोई भी फेशियल करते हैं, तो हमें जब भी अपने फेस पे अप्लाई करना होता है तो वो बहुत सॉफ्ट हैंड से करना होता है, क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ करेंगे या बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हार्ड हैंड से करेंगे, तो हमारी जो फेस की जो स्किन है वो बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा जल्दी लूज़ हो जाएगी हमारी स्किन। सो, इसके बाद हम लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं लगाऊंगी अपने लिप्स पे लिप बाम, जो कि है VLCC की, और ये है कोकोआ बटर लिप बाम, और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 15 रुपीज़ की है, और मैं इसे अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। और बस ये नाइट, मतलब ये नाइट रूटीन भी हो गया, और एक तरह से आपका मेकअप के बाद का रूटीन भी हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।